रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी एक बार फिर भगवान के दर पर पहुंचे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि निजी जीवन में मुकेश अंबानी काफी धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति हैं। पब्लिक या मीडिया में उनकी जो भी ज्यादातर तस्वीरें आती हैं वो या तो पारिवारिक हैं या कॉर्पोरेट कार्यक्रमों से जुड़ी हैं या फिर किसी न किसी मंदिर में पूरे परिवार के साथ दर्शन करते हुए तस्वीरें वायरल होती हैं। इस बार मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए हैं। ये मंदिर भारत के गुजरात के द्वारका में है। मुकेश अंबानी ने द्वारकाधीश मंदिर में माथा टेका। उन्होंने मंदिर में विविध पूजा अर्चना की। इस दौरान अनंत अंबानी के साथ उनके बॉडीगार्ड भी नजर आए। अनंत अंबानी की हाल ही में सगाई हुई है, जिसके बाद उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर के दरबार में आकर पूजा अर्चना की और अपने सुखमय जीवन की कामना की। मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही इस दौरान मौजूद वहां पंडित उन्हें पूरी प्रक्रिया समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी जब मंदिर पहुंचे तो इसकी जानकारी मिलते ही वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया। पूजा के बाद अनंत अंबानी थोड़ी देर तक मंदिर में रहे और उन्होंने मंदिर परिसर को भी देखा। इससे पहले मुकेश अंबानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर पहुंचे थे और वहां पर बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को 5 करोड़ रुपए की धनराशि भी भेंट की थी। 2.5 करोड़ रुपए बद्रीनाथ धाम और 2.5 करोड़ रुपए केदारनाथ को दान में दिए थे। एक आम श्रद्धालु की तरह हर साल उद्योगपति मुकेश अंबानी द्वारकाधीश भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और इस साल भी उन्होंने ऐसा ही किया। दरअसल अब तो द्वारकाधीश में अनंत अंबानी पहुंचे हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम के दौरान मुकेश अंबानी के साथ उनकी बहू राधिका मर्चेंट भी नजर आईं। दोनों ससुर और बहू ने मिलकर पूजा अर्चना करी। लगातार वीआईपीज का द्वारकाधीश से लेकर बाबा बद्रीनाथ धाम पहुंचने का सिलसिला जारी है। पिछले महीने मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और परिवार के अन्य सदस्य भगवान गणपति का आशीर्वाद के लिए मुंबई सिद्धि विनायक मंदिर भी पहुंचे थे। यानी कि मुकेश अंबानी के नाम एक और तस्वीर वायरल हो गई है, जो कि भगवान के दर पर वो साफ तौर पर द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे और जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना करी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।